आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको जो इनका केमिकल होता है वो कैसे बनाते हैं। ये सब कलर पड़े हुए हैं और ये ब्लूनर भी बोल सकते हो, इसको हार्डनर बोल सकते हो। ये है रेजिन। अब आपको क्या करना है, ये ब्लूनर जो देख रहे हैं एक्सीलेटर बोलते हैं इसको, ये आपको इसके अंदर मिक्स करना है। 3% की मात्रा डालनी है आपको और अच्छी तरह से आपको हिलाना है वापस इसको। ये हार्डनर अभी आपको यूज़ नहीं करना है। जब भी कोई भी केमिकल लें तो अच्छी तरह से हिलाएं और अपने शरीर का बहुत ही ध्यान रखें। हो सकता है आपको ये इसकी एलर्जी भी हो जाए अगर कोई शरीर में खुजली आती है। ये 2-3 दिन से आती रहती है, अगर ये काम करते हो तो आपको इस चीज़ से दूर रहना ही फायदा करेगा। ये आप जितना हिलाएंगे उतना ही ज़्यादा इसमें जो इसकी कैपेसिटी है सेट होने की वही रहेगी। अभी मेरे को तो यह दूसरी जगह और काम लेना है तो मैं एक बोतल में बनाता हूँ इसको। तो इसको लेके ये पिंक कलर बना रहा हूँ। तो पिंक कलर क्या, मुझे एक ही सिंगल कलर नहीं मिला तो इसमें दो कलर हमने मिक्स किए हैं, वाइट और रेड। तो आप भी इस तरीके से कलर मिक्स करके पिंक कलर बना सकते हैं और इसका डेमो भी देखेंगे। ये कलर की जो मात्रा है वो भी आपको 3% ही लेनी है। जैसे कि आपका 100 100 किलो है तो 3 किलो ये कलर लगेगा इसमें। उदाहरण दे रहा हूँ, हो सकता है आपका 5 लीटर हो, अच्छे 10 लीटर हो। इसको चेक भी करेंगे हम। अच्छी तरह से हिला ले तो अच्छा रहेगा ये। जब भी अब थोड़ा हम सैंपल बना के देखते हैं यहाँ। अगर आपको कोई भी केमिकल बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरी वेबसाइट है www.marbleflooringinderjitendershrma.com में जाके भी देख सकते हैं। नीचे उसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप इंग्लिश में भी जाके देख सकते हैं और ये सब फ़ोटो आपको और नाम भी आपको वहीं देख सकते हो अगर नाम में कोई कंफ्यूजन है। ये वीडियो आप पूरा देखें क्योंकि इसमें मैं दो तरीके और बताऊंगा इसमें। ये जो हार्डनर देख रहे हैं आप, ये भी 3% के हिसाब से आपको डालना है। कभी कभी बारिश में या ठंड के समय में आपको इसकी जो सेट होता है उसकी प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप इस केमिकल को धूप में रख देना। ऐसे ऐसे डेमो बता रहा हूँ मैं आपको, इस तरीके से आपको ये केमिकल यूज़ नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से केमिकल को यूज़ करेंगे तो ये नीचे पूरे तक नहीं जाएगा और आपका पत्थर है जो ऑलो रहेगा ये पूरी एज। ये खाली आपके डेमो के लिए है। ये वापस मैं रिमूव कर दूंगा, आप ऐसी गलती ना करें। और इसका सही लगाने का तरीका भी मैं बताता हूँ आपको। अब जब भी आप पत्थर लगा रहे हैं, पत्थर को अच्छी तरह से एज साफ करके इस केमिकल को आपको इसके ऊपर एज डालना है। इससे क्या होगा, ये पूरा पत्थर यहाँ से पकड़ लेगा, ये पूरी एज में उतार दे नीचे। तो कहीं से भी आपका पत्थर नीचे गैप नहीं रहेगा। और पत्थर जब ये लगाते हैं तब क्या करना है आपको, वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये पत्थर लगा दिया। अब जैसे जैसे इस पत्थर को हम लकड़ी के सहारे बिठाते हैं तभी आपको ये केमिकल डालते रहना है, ताकि क्या करेगा, पत्थर वाइब्रेट होगा और वाइब्रेट से ये और नीचे जाता रहेगा। अगर आपका पेपर जॉइंट है तो जाने की गुंजाइश बहुत ही कम रहेगी, अगर कहीं गैप है तो उसके अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से आपको ये अप्लाई करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी पॉलिश होगी तभी मैं आपको
इसका एक वीडियो और अपलोड करके बता दूंगा।